ओके, एक बहुत ही अलग सा सवाल आया है सैंडी बरेजा जी का। उन्होंने लिखा है कि उनके बड़े भाई को इनहेरिट किया है, 4 करोड़ रुपए मिले हैं उनको, 29 साल उनकी एज है। फिजिकली हैंडीकैप ड्यू टू सम एक्सीडेंट, कंप्लीटली बेड रिडन, वो कहाँ निवेश करें ताकि उनको 1 लाख रुपए पर मंथ उनको मिलता रहे और प्रिंसिपल अमाउंट भी कम ना हो, फैमिली ऑफ थ्री बेसिक। देखिए, 4 करोड़ पे 12 लाख रुपए आपको साल का चाहिए। मुझे ऐसा मानना है कि ये रकम काफी काफी डुएबल है। ऑनेस्टली, आप 5% के हिसाब से भी मैं अगर 4 करोड़ पे ब्याज लूं टेक्निकली, तो आपको आराम से साल का 20 लाख रुपए होता है, जो कि बहुत अच्छी रकम है। तो आपका जो 1 लाख रुपए का जो रिक्वायरमेंट है वो आराम से हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, कोई रिस्क मत लीजिए इस कॉर्पस से। आई कैन अंडरस्टैंड द कंडीशंस व्हिच यू हैव मेंशन। आप सिर्फ इसको डिपॉजिट्स में डालिए। बेसिकली जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आराम से सॉल्व होता है, इसलिए मैं आपको डिपॉजिट बोल रहा हूँ। डिपॉजिट्स में हालांकि आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स का मिक्स कर लीजिए। कुछ अच्छे कॉर्पोरेट जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC लिमिटेड हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, इनके कुछ डिपॉजिट्स ले लीजिए, रेट अच्छा होता है। आप थोड़े से बैंक के डिपॉजिट्स कर लीजिए, अलग अलग 2-3 बैंक के डिपॉजिट्स आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो डेट फंड्स भी डाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में सेफ्टी के लिए, पर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स लीजिएगा। शॉर्ट टर्म फंड या फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स, उस तरह की कैटेगरी आप 3-5 साल के लिए वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ये बहुत है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको डिपॉजिट्स और FDs में ही प्लान करना पड़ेगा इसको।